माशाल्लाह एक 40 का दे देंगे हम, 2 लाख, 1.35 में फाइनल करके दे देंगे आपको। 1.35 में फाइनल करके दे देंगे सर। आपको 3,20,000 का हम फाइनल दे देंगे। 3,20,000 रुपये में देंगे। अच्छा ये बताइए, यानी खरीदारी हमारी वहाँ से सस्ती है, ये बछड़ी दे देंगे हम बिल्कुल फुल एंड फाइनल 1,70,000 दे देंगे, फाइनल 60 का, 3,60,000, 3.5 लाख रुपये का, 3.5 लाख। पी एच के मांग रहे हैं हम 5 लाख रुपये जी। ये पर जो है अल्लाह का एक नाम लिखा हुआ नज़र आता है, पलटाओ तो बताए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल के साथ आपका मेज़बान जहाँसिफ जमशेद आप लोग की खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स यहाँ पर भी कुछ कैटल्स हैं, हम लोग सरजानी टाउन भैंस कॉलोनी में विजिट कर रहे थे, हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर जो कैटल्स हैं इन पर भी नज़र डाली जाए। तो यहाँ के जो कैटल्स हैं इंशाल्लाह आज आप लोगों को दिखाएंगे, आइए मेरे साथ देखते हैं क्या प्राइस मिलती है। कोशिश करेंगे कमी पेशी करवाने की, जो कैटल्स होंगे उनको देखेंगे और तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। व्यूअर्स हमारे साथ यहाँ पे जो कैटल फार्म है यहाँ पे अशरफ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं अशरफ भाई? खैरियत साहब, शुक्र है भाई। ये बताएं कितने कैटल्स हैं? माशाल्लाह नहीं ज़्यादा है, 40 करीब माल है। अच्छा चलें दिखा दें मुझे, कम कीमत वाले दिखाएं पहले फिर ज़्यादा कीमत वाले भी देख लेंगे। जी अशरफ भाई, कम कीमत वाले जानवर हैं जी भाई? ये माशाल्लाह 1.40 का दे देंगे हम, 2 दांत हैं। 2 दांत 1.40 में देंगे? बच्ची है ये? बच्ची है। वजन कितना है इसका? वजन कम से कम 4.5 मन वजन है इसका। अच्छा ये बताएं अशरफ भाई, आप लोग जो वजन बता रहे हैं आप लोगों ने कांटा किया हुआ है, अपना अंदाज़ा बता। एक अंदाज़ा हमारा इसे आप बेफिक्र होकर ले आएँ, तुलवा लेना 4.5 मन। ठीक है। अच्छा इसके अलावा कोई दूसरा जानवर भी दिखाएं मुझे कम कीमत वाला। जी इसके बारे में बताएं। 1.40 मांग रहे हैं, 2 दांत हैं और इसके 1.35 में फाइनल करके दे देंगे आपको। 1.35 में फाइनल करके दे देंगे जी, जी। अच्छा 1.40 आपकी डिमांड है जी, जी। और ये बताएं कि इसमें और मज़ीद क्या गुंजाइश होगा, अगर आपके पास कोई आके इसकी 1 लाख रुपये ऑफर लगाता है, 80-90 के लगाता है, आपका क्या माइंड? इसके आखिर यही 1.35, इससे मुनासिब पैसा मांग रहे हैं। दांतों में दो? दांतों में दो। वजन कितना बताना है इसका? वजन इसका माशाल्लाह 3 मन से अच्छा वजन आ जाएगा भाई। ये थरी है, थरी नसल, थरी नसल है जी जी। क्या मांग रहे हैं इसके आप? इसके हम 1.5 लाख रुपये मांग रहे हैं। 1.5 लाख रुपये आपको 1 पीस की दे देंगे हम आपको। अच्छा 1 पीस में देंगे जी। इसका तो वज़न मुझे काफ़ी कम लग रहा है, कितना होगा इसका वज़न? माशाल्लाह इसका होगा 110 किलो। 110 किलो इसका वज़न है जी। अच्छा दांतों में दो है? दांतों में दो है, 1.30 की 1.25 की दे देंगे। ठीक है 1.25 तक में भी दे देंगे आप। ये बच्चा ला खोल के जी अशरफ भाई इसका बताएं कितने में दिया आपने? 1.50 का दिया ये हमने। 1,50,000 में दे दिया आपने। अच्छा तो वज़न कितना है इसका? वज़न माशाल्लाह 4 मन है, खूबसूरत बच्चा है। 4 मन है और खूबसूरत है। अच्छा और ये बताएं दांतों में दो है? दांतों में दो है। ठीक है। अच्छा इसका बताएं मुझे ब्राउन वाला जो आ रहा है, ये ब्राउन वाली बछिया माशाल्लाह वज़न में 8 मन हो गई है। 8 मन वज़न है इसका दांतों में? 3.25 लाख के हम आपको दे देंगे, दांतों में 4 है। दांतों में 4 है, 3.25 लाख के देंगे आप जी। 8 मन इसका वज़न है। और फाइनल कितने तक में इरादा आपका देने? वही मांगता हूँ कि 4.5 लाख रहे और आपको 3.25 लाख के अंदर दे देंगे, माशाल्लाह बछिया देंगे आप माशाल्लाह, बहुत मुनासिब रेट है हमारे। अच्छा ये जो आप रेट बता रहे हैं इसमें भी आप लचक कर लेंगे, गुंजाइश कर लेंगे? जब आएंगे तो कर लेंगे। अच्छा इसके अलावा कोई दूसरा जानवर दिखा मुझे जी अशरफ भाई? माशाल्लाह ये नुकरा जी भाई, ये माशाल्लाह दांतों के अंदर 2 है ये, अभी माशाल्लाह इसने निकाले 2 दांत। अच्छा 2 दांत इसने निकाला जी जी जी। ठीक है तो यानी इसी साल तैयार हुआ है? इसी साल ये इंशाल्लाह आपको 3,20,000 का फाइनल दे देंगे। 3,20,000 रुपये में देंगे। अच्छा ये बताएं अशरफ भाई इसका वज़न कितना? इसका वज़न होगा माशाल्लाह 6 मन। 6 मन इसका वज़न है, पूरा पूरा पक्का 6 मन होगा, थोड़ा कम बढ़ जाएगा। ये भी देख लें काला, इधर देखा काला बच्चा। इसके फाइनल रेट बता दें नुकरे का? 3,20,000 फाइनल। 3,20,000 फाइनल। इसके कितने बोले? इसके हमने आपको 1,50,000 बोले ना, 1.5 लाख रुपए का। वजन कितना है इसका? 4 मन बच्चा है माशाल्लाह, दांतों में भी 2 है। और नसल? नसल चोरिस्तानी है ना ये, पंजाब की नसल है जी। अशरफ भाई अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दें और ये बताएं जो हमारे खरीदने के लिए आएंगे हमारे व्यूअर्स जो आएंगे आप उनको क्या कमी पेशी होगी, क्या फैसिलिटीज करेंगे? जब इंशाल्लाह वो आएंगे हम करेंगे कुछ ना कुछ कॉपरेट उनके साथ करेंगे। सही है, कॉपरेट करेंगे उनके साथ। ठीक है मैं पूरा नाम बता दीजिए, अपने फार्म का नाम बता दें। मेरा अशरफ गुड्डू के फार्म है ये, गुड्डू अशरफ के नाम से, गुड्डू अशरफ के नाम से। अच्छा कॉन्टैक्ट नंबर? कॉन्टैक्ट नंबर 0315-10-25-102। बहुत शुक्रिया अशरफ भाई। तो व्यूअर्स एक कैटल फार्म में मोहरा है, देख सकते हैं आप लोग उनका बोर्ड लगा हुआ है, बजट कैटल फार्म के नाम से ये बजट कैटल फार्म। तो यहाँ पर देखते हैं कि कितना बजट बनता है और बजट के हिसाब से आपके साथ कीमतें शेयर करेंगे। चंदा भाई लीजिएगा
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र है, आने वाले का। ये बताएं कौन कौन से जानवर है, कितने जानवर लेकर आए? वैसे तो हम लेके आए 55 जानवर। अच्छा, उसमें हमारे पास ये 4 बछड़ियाँ हैं, बाकी 2 पाड़े हैं और बाकी सब बछड़े हैं, उसमें छोटा बड़ा सारा माल मिक्स है। क्योंकि बजट कैटल फार्म है तो वाकई में इसमें सही बजट बन जाएगा? बजट के हिसाब से ही रखा हुआ हमने, हर हिसाब के हिसाब से रखा। जी जी, हर यानी कि लेवल का बजट रखा हुआ है हमारे पास, जो है वो 1,00,000 रुपए की बछड़ी से लेकर, और ये समझ लें कि 4,00,000 रुपए तक का बछड़ा है। अच्छा, 1,00,000 से लेकर 4,00,000 तक के प्राइस है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, मुझे दिखाएं। और जो 4,00,000 रुपए वाली चीज़ है वो ऐसी चीज़ है कि जो आपको मंडी के अंदर 5-6,50,000 रुपए मांग रहे होंगे। ये बछड़ी उठा, टाइप खोल के देखा जी, इसके बारे में बताएं। ये बछड़ी वैसे लोग मांगते हैं इसके 1,40,000 रुपए, 1,00,000 रुपए में दे देंगे ये। 1,00,000 रुपए में देंगे जी। ये वजन में कितनी है? ये 2.5 मन बछड़ी है। 2.5 मन है जी, 100 किलो यानी कि आएगी गोश्त के अंदर। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जो आप लोग वज़न बता रहे हैं, आप लोगों का अंदाज़ा या कांटा? वैसे तो मैं अंदाज़ा होता ही है, लेकिन ये कि जो लोग अमूमन कुर्बानी करते हैं उनको भी वैसे हमसे ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा होता है। अगर हम 2.5 मन उसको कह रहे होंगे तो वो 2 मन ही उसका लगाएंगे। अच्छा जी, ठीक है। इसके 1,00,000 रुपये आप बोल रहे हैं, इसमें कुछ कमी पेशी है? इसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी पेशी नहीं है, 5,000 रुपये की गुंजाइश होगी, 95,000 रुपये की हम ये दे देंगे। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ वाले जो वो बड़ी बछड़ी है वो 2 दांतों में, ये भी 2 दांतों के अंदर है। अच्छा। उस बछड़ी की हम मांग रहे हैं 1,70,000 रुपये, 1,50,000 रुपये की देंगे। 1,70,000 रुपये डिमांड है, 1,50,000 रुपये में देंगे जी। ठीक है, और वज़न में कितनी है ये बछड़ी? 4 मन से ऊपर आएगी। 4 मन से ऊपर है जी। दांतों में ये भी 2? दांतों में ये भी 2। अच्छा, कौन सी नस्ल है ये? देसी और वलायती क्रॉस है। ठीक है, देसी और वलायती क्रॉस है जी। ये देसी बछड़ी हैं दोनों। अच्छा, ये जो पीछे ब्राउन कलर के हैं दोनों देसी हैं जी? ये दोनों देसी बछड़ी हैं। अच्छा, ये 2 दांत है, वो 4 दांत है। इनको भी खोल के दिखा, इनकी कीमत बता। ये दिखाओ टायर। जी जनाब, माशाल्लाह, इसके बारे में बताएं। ये 2 दांत बछड़ी है, 3.5 मन इसका तकरीबन वजन है। इस बछड़ी के हम कह रहे हैं 1,60,000 रुपये। 1,60,000 रुपये जी। ये समझ लीजिए कि बजट के अंदर जिसकी आएगी इंशाल्लाह 1,40,000 रुपये की दे देंगे। 1,40,000 में देंगे। ठीक है, और वजन इसका कितना बताया? 3.5। 3.5 में वो बछड़ी 4 दांतों के अंदर है। 4 दांत में इसके बराबर वाली जी। जी, इसके बारे में बताएं, इसका कितना वज़न है, इसकी क्या प्राइस है? ये तकरीबन समझ लें 5 मन वज़न की बछड़ी है ये। ये ली भी हमने सस्ती है, यानी ख़रीदारी हमारी वहाँ से सस्ती है। ये बछड़ी दे देंगे हम बिल्कुल फुल एंड फाइनल 1,70,000 रुपये की। 1,70,000 रुपये की 5 मन इसका वज़न है जी। अच्छा, आपने सस्ती खरीदी तो आप फुल एंड फाइनल 1,70,000 में देंगे? हाँ, जो सस्ती खरीदी है उसका सस्ता रेट है, जो हमने थोड़ी महंगी ले ली है वो हम बराबर में दे देंगे। ये दांतों में लेकिन ये 4 है? दांतों में ये 4 है, यानी हमारी कोशिश ये है कि सिर्फ जिसके अंदर हो हम थोड़ा बहुत रख के और आगे अपना माल बेच दें, ताकि उसमें हमें भी थोड़े पैसे मिल जाएँ, हमें अपना प्रॉफिट आ जाए और लोगों को भी लिए भी आसानी हो जाए। अच्छा, ये जो आपने प्राइस बताई इन 4 कैटल्स की, ये फाइनल प्राइजेस में कुछ गुंजाइश होगी? भाई समझ लेंगे, फाइनल बताइए आपको देखते हैं। फाइनल प्राइस जी। ठीक है, अब जो बड़े जानवर हैं वो भी दिखा दें मुझे। मैं दिखा देता हूँ, टायर बड़ा बछड़ा निकालो अपना, यहीं बाहर निकाल लूँ? हाँ, बाहर निकालना, सनलाइट में थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। जी जनाब, ये कितना वज़न में माशाल्लाह, और नस्ल कौन सी है? ये चोलिस्तानी बछड़ा है। और ये बात भी नहीं मान रहा? नहीं आएगा, असल में अभी चारा खा रहे तो चारे से हटाए इनको, तो ऐसे करते हैं ये। अच्छा जी, ये तकरीबन इस टाइम समझ लेंगे 7.5 मन वज़न का बछड़ा है ये। 7.5 मन वज़न का बछड़ा जी। और इसके मांग क्या रहे हैं आप लोग? इसके वैसे हम मांग रहे हैं 4,30,000 रुपये। 4,30,000 रुपये जी। और फाइनल कितने तक में देना? फाइनल आप ये समझ लीजिए कि मुनासिब पैसों में दे देंगे ये, यानी कि अगर कोई अगर करंट पार्टी आती है हमारे पास तो हम ये बछड़ा दे देंगे 3.5 लाख रुपये का। और इसका बताएं? ये बछड़ा भी 7.5 मन मीट वेट के अंदर, 2 दांत है। 2 दांत में ही जी? वो भी 2 दांत है, ये भी 2 दांत है। 7.5 मन मीट वेट जी। ठीक है, इसके क्या मांग रहे हैं आप लोग? इसके मांग रहे हैं 4,30,000 रुपये। 4,30,000 रुपये जी। और बजट में देखें तो कितना बजट इसमें हो जाएगा? इस बजट के अंदर अगर आप देखें तो ये बछड़ा फाइनल आपको हो जाएगा 3.5 लाख रुपये का। 3.5 लाख रुपये का जी, फुल एंड फाइनल। वेट उस बछड़े का अच्छा है जो पहले निकाला है। अच्छा, और इसका थोड़ा उससे यानी कि कम है, यानी कि समझ लीजिए अगर इसका और उसका वज़न करते हैं तो वेट में वो ज़्यादा अच्छा होगा। वज़न में वो ज़्यादा अच्छा है? वेट में ज़्यादा अच्छा है, यानी कि ये थोड़ा सा कमज़ोर है लेकिन ठोस है, वो थोड़ा खुला बछड़ा है। ठीक है, 3.5 इसके फाइनल होगा जी। अच्छा, इसका बताएं जो भी अभी आया? ये बछड़ा 7 मन वज़न के अंदर है। ये 7 मन वज़न है जी। इसके क्या मांग रहे हैं?
इसके मांग रहे हैं हम वैसे 3,55,000 रुपये। 3,55,000 रुपये जी। दांतों में? दांतों में 4 हो गया ये। दांतों में 4 हो गया। और ये फाइनल कितने तक में देना? ये फाइनल देना है 3,20,000 रुपये का। जी जनाब माशाल्लाह, इसके बारे में बताएं। ये दो दांत बछड़ा है। दो दांत में ही जी। ये भी समझ लीजिए कि 7 मन से ऊपर वजन है इसका मीट वेट। और इसके मांग क्या ना? इसके मांग रहे 4,00,000 रुपये। और ये बताएं दांतों में? दांतों में 2 है। दांतों में 2 है। और फाइनल कितने तक में देंगे? ये बछड़ा दे देंगे फाइनल 60 का, 3,60,000 रुपये का। 3,60,000 में आप करा दें जी। इसकी शाइनिंग वाइनिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है। बछड़े की नाव झालर बहुत अच्छी है माशाल्लाह। आगे से नहीं जाया करो जी जनाब। इसके बारे में बताएं। ये दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों की प्राइस भी एक ही हैं। जोड़ी मांग रहे हैं इसकी। अच्छा, तो ये भी 3,60,000 का। ये मांगने वाले इसके 4,00,000 रुपये। मांगने वाले 4,00,000 रुपये और 3,60,000 में आपका इरादा देने का दांतों में। ये वो बछड़े हैं जो आप अगर टेंटों में जाएंगे तो आपको इन्हीं के प्राइस लोग जो है कोट कर रहे होंगे 5,50,000 रुपये, 6,00,000 रुपये, 7,00,000 रुपये इस तरह। लेकिन ये है कि हमारे पास, हमने खुद अपने बजट के हिसाब से लिए। इसके बाद मेरे पास एक छोटी वैरायटी है। वैसे आप दिखाएं तो मेरे पास बहुत सारे बछड़े हैं, एक छोटी वैरायटी भी है मेरे पास जो समझ लीजिए कि 1,45,000 से लेकर और 1,70,000 रुपये की रेंज के अंदर है। अच्छा, वो भी दिखा दीजिएगा जी जनाब। इसके बारे में बताएं। ये भी दो दांत बछड़ा है और इसकी डिमांड है हमारी 3,90,000 रुपये की। 3,90,000 की डिमांड है जी। और वज़न इसका? वज़न में ये समझ लीजिए कि बछड़ा होगा कोई 6 मन से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है जी। और इसको फाइनल कितने तक में देना है? और फाइनल ये समझ लीजिए कि इसके बिल्कुल फुल एंड फाइनल हो जाएंगे इसके 3,10,000 रुपये। 3,10,000 रुपये बिल्कुल फाइनल है जी। जी जनाब, इसके बारे में बताएं। ये डब्बा बछड़ा कहलाता है प्रिंट के अंदर। कलर वलर का बहुत अच्छा है। दो दांत अभी हुआ है ये ताज़ा। मीट वेट के अंदर बछड़ा 6.5 मन है। अच्छा, इस बछड़े के मांग रहे हैं हम 4,10,000 रुपये। अच्छा, डब्बा बछड़ा कहलाता है, पहली दफ़ा सुना है। यानी कि कलर में ये इसके बॉक्सेस जो बने होते हैं ना। अच्छा, इस प्रिंट को हम डब्बा तो प्रिंट की वजह से कहते हैं डब्बा बछड़ा। ठीक है। दांतों में 2 आई है जी। दांतों में 2। फाइनल रेट कितना है? फाइनल ये बछड़ा दे देंगे 3,50,000 रुपये का। 3,50,000 रुपये का जी। वो सफ़ेद बड़ा बछड़ा खोल लो, सब सफ़ेद जी। इसके बारे में बताएं माशाल्लाह। ये दो दांत बछड़ा है और मीट वेट के अंदर ये तकरीबन 7 मन के करीब है। यानी कि 6.5 मन से ऊपर है लेकिन 7 मन के करीब है ये बछड़ा। अभी तक सही मानों में यानी कि इसने खाना पीना स्टार्ट नहीं किया है, इसलिए थोड़ा सा जो है खुला नहीं है ये, दूसरे लफ्ज़ों में। अच्छा। वरना बछड़ा उससे बहुत अच्छा है लेकिन देखने में कमज़ोर है अभी। ठीक है। और इसके फाइनल रेट क्या मांग रहे हैं? इस बछड़े की भी 4,00,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। 4,00,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं जी। दांतों में 2 है। रुको। अच्छा, दांतों में 2 है। दांतों में 2 है ये। 4,00,000 रुपये डिमांड है, इसमें कमी पेशी करेंगे आप। जी जनाब, इसके बारे में बताएं माशाल्लाह। पीछे से जाओ, ये बछड़ा खीरा है अभी। खीरा ही है जी। ये अभी दांत हिला रहा है, इसने दांत गिराया नहीं है। इसके बारे में बताएं कि ये अभी दांत नहीं निकाला इसने, इस साल तैयार नहीं हो गए। ये दांत हिला रहा है, वैसे कुर्बानी इसकी जायज़ है लेकिन अगर ये नहीं बिकेगा तो इंशाल्लाह इसको हम अगले साल के लिए रखेंगे। अच्छा, और मांग क्या है इसके फाइनल? इसके मांग रहे हैं हम 3,90,000 रुपये। सामने नहीं जाओ उसके। 3,90,000 रुपये मांग रहे हैं जी। ले आओ जी जनाब। ये बताएं कितना मज़ा है इसका? ये अभी 8 मन क्रॉस कर रहा है बछड़ा। 8 मन ही क्रॉस कर रहा है जी। ठीक है। और दांत हिलाए इसने? दांत हिलाए और ये क्रॉस नस्ल के अंदर है। और फाइनल कितने रेट बताएं इसके? फाइनल ये समझ लीजिए कि इसको, वैसे तो हम इसके मांग रहे वही पैसे हैं लेकिन अगर कोई बंदा इसको लेने में इंटरेस्टेड होगा तो 3,50,000 रुपये का दे देंगे। ठीक है जी। जी जनाब, इसके बारे में बताएं। ये बछड़ा हमारा, ये हमने ख़रीदा जो है फोटाबाद से लिया था। जिन साहब के पास से लिया था उनको तो उसका अंदाज़ा नहीं था लेकिन इसके ऊपर यहाँ पर जो है अल्लाह का एक नाम लिखा हुआ नज़र आता है। पलटाओ उसको, ताहिर इस तरफ घुमाओ। अच्छा, यहाँ पर ये माशाल्लाह इसका प्रिंट ऐसा है कि ऐसा लग रहा है अल्लाह का नाम लिखा हुआ। जी जी, अल्लाह का नाम लिखा हुआ नज़र आता है। ठीक है। तो क्या प्राइस है इसकी? वैसे तो इसकी प्राइस 1,80,000 रुपये, यानी कि भी आम बछड़ों की प्राइस है। हम अल्लाह के नाम के ऊपर इसकी कोई प्राइस बढ़ा के नहीं मांग रहे। ये बछड़ा फाइनल देने वाला जो है 1,52,000 रुपये का है। 1,52,000 फाइनल। यानी कि इस कद काठी के जो बछड़े हैं, वजन के बछड़े, वो इतने ही पैसों में मिलेंगे। हम इसके कोई अलग से पैसे नहीं मांग रहे हैं कि अल्लाह का नाम लिखा हुआ है तो हम इसके ऊपर अलग से पैसे मांगें। अच्छा, वजन कितना?
ये 3 मंथ से थोड़े से ऊपर ऊपर बछड़े हैं, यानी कि 3 मंथ से अच्छे होंगे समझ लें कि थोड़ा सा वेट बढ़ा हुआ होगा, लेकिन मैं आपको जैसे बोलूं कि कोई होगा 3 मंथ 5 किलो, 3 मंथ 10 किलो, यानी कि वहाँ से हमने कांटे के ऊपर ख़रीदारी की थी। दूसरे दांतों में ये दो हैं, दांतों में सब दो हैं, ठीक है, 152,000 रुपये। जी जी, इसके बारे में बताएं। ये सब वही छोटे बछड़े हैं, 3 मंथ वजन से ऊपर हैं थोड़े से। अच्छा, इनके यानी कि अराउंड वही डिमांड है, 145,000 रुपये, 150,000 रुपये। किसी का प्रिंट अच्छा है तो उसके 2-4-5,000 रुपये ऊपर हैं, और किसी का प्रिंट हल्का है तो उसके 2-4-5,000 रुपये नीचे हैं। ये बछड़ा 3 मंथ से थोड़ा सा दबेगा, ये 3 मंथ पूरा नहीं आएगा, आगे लो उसको। अच्छा, ये कितने का? इस बछड़े की डिमांड कर रहे हैं 160,000 रुपये। 160,000 रुपये। अच्छा, ये छोटे बछड़े सब दांतों में दो दो हैं? सब दांतों में दो दो हैं। अच्छा, इसका बताइए, 3 मंथ पूरा? जी 3 मंथ पूरा। ये 3 मंथ पूरा है, 3 मंथ से थोड़ा कम है? ये 3 मंथ से थोड़ा कम है। अच्छा, बछड़ा देखने में वो 3 मंथ से वैसे ऊपर ही लग रहा है, लेकिन ये है कि झूठ बोलने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी, इनके बारे में बताएं, इसके क्या प्राइस बता रहे थे आप? इसके प्राइस यानी कि 170,000 रुपये, 160,000 रुपये मांगने वाले हैं इनके, लेकिन ये बछड़े समझ लीजिए कि देने वाले पैसों में 145,000 रुपये, 140,000 रुपये। ये बछड़ा थोड़ा सा छोटा है, लेकिन 3 मंथ से थोड़ा सा कम है। ये बछड़ा दे देंगे हमें 135,000 रुपये का, मांगने वाले इसके भी 160,000-165,000 रुपये। ये 135 में देंगे जी। और ये वाला? ये वाला बछड़ा देंगे 145,000 रुपये का। अच्छा, इसके अलावा कौन से दिखा रहे थे आप? इसके अलावा मेरे पास बाहर बछड़े खड़े हुए हैं फ्रंट के ऊपर, वो बछड़े ये समझ लीजिए कि 4.5-5 मन वज़न के बछड़े हैं, और तकरीबन ये समझ लें कि उसमें मांगने वाले तो हम उनके 2.5 लाख रुपए मांग रहे हैं, क्योंकि कम पैसे मांगने के अंदर लोग पैसे नहीं लगाते हैं उसके, और अराउंड देने वाले पैसों में जो है वो 2 लाख रुपये, 2,05,000 रुपये, 2,10,000 रुपये, 1,90,000 रुपये, इस रेंज के वो बछड़े हैं। ठीक है, नज़र डालते हैं आइए। जी जनाब, ये वो बछड़े जिनका आप बता रहे थे? जी, ये बछड़े तकरीबन ये समझ लीजिए कि 4.5 मन से लेके 5 मन वजन तक के बछड़े हैं ये इसमें। अच्छा। इनके प्राइसेस ये समझ लीजिए कि अब जैसे ये जोड़ी खड़ी हुई है, इसके मांग रहे हैं हम 5 लाख रुपए। जोड़ी क्या? जी, ये जोड़ी खड़ी हुई है चीने बच्चों की, इसके मांग रहे हैं हम 5,40,000 रुपये। इसके बराबर में एक जोड़ी खड़ी हुई है लाल बछड़ों की, इस जोड़ी के मांग रहे हैं हम 4,20,000 रुपये। उसके बराबर में एक जोड़ी खड़ी हुई है, उन बछड़ों के मांग रहे हैं हम 4.5 लाख रुपये। उसके बराबर में एक चीना बछड़ा खड़ा हुआ है, 4 दांत है, इस बछड़े की हम मांग रहे हैं 2,30,000 रुपये। अच्छा, और इनके फाइनल प्राइस कितनी कितनी हैं भाई? समझ लें कि मुनासिब पैसों के अंदर हैं ये अराउंड समझ लीजिए कि 2,20,000 से लेकर और 2,30,000 तक की रेंज के इसके अंदर जानवर हैं, और इसमें बार्गेनिंग के बाद जो है वो 2 लाख राउंड के जो है जानवर आपको इसमें से हम दे देंगे, और जो आपके चैनल के तफसुस से आएगा उसको और 10,000 रुपये का डिस्काउंट देंगे इंशाल्लाह। यानी हमारे व्यूअर जो उनके लिए 1,90,000 रुपये में देंगे हम। ठीक है ज़ुबैर साहब, अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। बछड़े के हमें वैसे 2 लाख रुपये लगे, हमने दिया नहीं है, लेकिन अगर आपके पास से कोई आ जाएगा तो हम 1,90,000 रुपये का देंगे। अच्छा, वैसे इसके 2 लाख रुपये लगे लेकिन आपने नहीं दिया, और हमारे व्यूअर्स अगर आएंगे तो उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट 1,90,000 में देंगे। जी ठीक है ज़ुबैर साहब, माशाल्लाह बजट कैटल फार्म पे व्यूअर्स हमने विजिट किया है, और यहाँ पे जो प्राइजेज़ हैं वो आपके साथ शेयर करें, यहाँ के बछड़े भी दिखाएं। प्राइजेस कैसे लगे आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ज़ुबैर साहब से इजाज़त लेते हैं। जी जनाब, कॉन्टैक्ट नंबर 0332-3641-363। जज़ाकअल्लाह ज़ुबैर साहब, चलो बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ साथ व्यूअर्स, आप लोग हमें कमेंट्स में बताइएगा कैसे लगे आप लोग को भैंस कॉलोनी की मंडी जो सरजानी टाउन में, खासकर यहाँ पर आए थे, हमने सोचा यहाँ के भी प्राइजेज़ आपके साथ शेयर करें ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो सके कि भैंस कॉलोनी के क्या प्राइस चल रहे हैं। सरजानी टाउन भैंस कॉलोनी आप लोग आएँ, यहाँ पर विज़िट करें, देखें यहाँ पर माशाल्लाह पीछे के साइड पर आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह पब्लिक भी आ रही है यहाँ पर, और मैं देख रहा हूँ ख़रीदार भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर आकर विज़िट करें, और अगर आप लोग का सौदा बनता है तो यहाँ से आप लोग परचेजिंग कर सकते हैं, जो भी जानवर थे आपके साथ शेयर करें। इंशाल्लाह फिर दोबारा आएंगे, विज़िट करेंगे, आप लोग को प्राइजेस अपडेट रखेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।